महाराष्ट्र कांग्रेस के मुखर नेता संजय निरुपम को कल पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने खुद ही पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। निरुपम ने लिखा कि ऐसा लगता है कि देर रात मेरा त्याग पत्र मिलने के बाद उन्होंने मेरे निष्कासन का बयान जारी करने का फैसला किया। इतनी तत्परता वाकई काबिले तारीफ है। निरुपम ने कहा कि आज सुबह 11:30 बजे वो विस्तार से बयान जारी करेंगे। बिल्कुल शिस्तभंग की कार्रवाई होगी आज या कल। मौसमी सिंह लगातार जुड़ी हुई है। मौसमी, संजय निरुपम ने अपने इस्तीफे के संकेत तो बहुत पहले दे दिए थे, तो फिर पार्टी अपनी फजीहत क्यों कराती है ये कहकर कि उन्होंने निष्कासित किया है, जबकि असलियत कुछ और है? देखिए, ऐसा ही हाल जो है हिमाचल में हुआ था जब बागी विधायक सुधीर शर्मा उनके खिलाफ लगभग 3 हफ्ते बाद एक चिट्ठी जारी की थी पार्टी ने कि वो सचिव थे कांग्रेस पार्टी के और उनको निष्कासित किया जाता है। तो उन्होंने चुटकी भी ली थी कांग्रेस पार्टी की कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भार था मेरे कंधों पर और आज आपने उससे मुक्त कर दिया। तो लगातार कहीं ना कहीं एक तरफ नेहा ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली को भी दर्शाता है और कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है दूसरी तरफ कि चुनावी मौसम है और आया राम गया राम नेता अपने सियासी फायदे के लिए साइड पलटेंगे, अलग विरोधी पार्टी में जाएंगे। तो कांग्रेस भी चाह रही है कि ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार नेताओं के जाने का सिलसिला, बॉक्सर विजेंद्र सिंह गए, तमाम बगावत हिमाचल में हुई और अब गौरव वल्लभ गए हैं, तो एक इमेज की बीटिंग जरूर होती है अगर इस तरह से जो आपकी छवि है उस पर एक बट्टा लगता है एक तरीके से अगर लगातार नेता यूं जाते हैं। खासतौर से गौरव वल्लभ, मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ लगातार प्रवक्ता बने हुए थे, 2 बार चुनाव भी लड़े, असेंबली का भी चुनाव लड़े, उसके बाद भी अगर वो उसके बावजूद भी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।